एसेट एलोकेशन का महत्व। तो ये सारे ईस्टर एग्स आपके हैं और सब एक ही बास्केट में हैं। अब अगर ये बास्केट आपसे गिर जाए तो आउच, सब कुछ खत्म। इसीलिए तो कहा जाता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एसेट एलोकेशन का भी यही मतलब है। इसमें इंसान के इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांट दिया जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट रिस्क कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है आपकी सेविंग्स को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना, जैसे कैश, इक्विटीज, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स किसी एक एसेट क्लास की परफॉर्मेंस पर मोहताज होकर न रह जाए। इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए एक स्टोर में सिर्फ सर्दियों के कपड़े ही बेचे जाते हैं। वहाँ हर तरह के जैकेट्स, बूट्स, स्कार्व्स, ग्लव्स और विंटर गियर जैसे आइस स्केट्स और स्कीज तक सब कुछ मिलता है। वो अपने विंटर वेयर के लिए बेहद मशहूर है और हर साल सर्दियाँ आते ही उनका बिजनेस भी जोरदार होता है। पर उसके बाद जैसे गर्मियाँ आईं, स्टोर का बिजनेस ठंडा हो जाता है। अब मान लीजिए ये स्टोर अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को थोड़ा बढ़ाता है, एक ऐसा सेक्शन खोलता है जहां मिलने वाले कपड़े और शूज गर्मियों में भी पहने जा सकते हैं। फिर वो रेगुलर रोलर स्केट्स, स्केटबोर्ड्स या बाकी एक्सेसरीज भी बेचने लगते हैं। अब ये स्टोर सर्दियों के साथ गर्मियों में भी चलने लगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे विस्तार होता है, वो एक सेक्शन सिर्फ बुक्स के लिए खोल देते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स बेचने के लिए, एक फर्नीचर के लिए और एक सिर्फ ग्रोसरीज के लिए। अचानक एक छोटा सा विंटर स्टोर लंबे चौड़े डिपार्टमेंट स्टोर में बदल जाता है, जो साल भर बढ़िया बिजनेस करता है। पहले स्टोर का सारा बिजनेस सिर्फ सर्दियों पर और इस उम्मीद पर था कि सामने से कोई कंपटीशन ना आ जाए, पर एक ऐसा डिपार्टमेंट स्टोर बनने के बाद जहां सब कुछ मिलता है, बिजनेस चलता ही रहता है चाहे बारिश हो या धूप। अब रिस्क भी बेहद कम है। सही कहा, बिल्कुल इसी तरह एसेट एलोकेशन का भी जबरदस्त फायदा है, जिसे कई लोग समझ ही नहीं पाते। और ये फायदा है रिस्क कम करना। रिस्क का मतलब आसान है। इसका मतलब है ऐसे कई नतीजों की संभावना जिनमें से ज्यादातर पर हमारा कोई काबू नहीं है। जोखिम मापने के लिए इसमें रिटर्न्स के अलावा और भी कई तरीके होते हैं। जहां पैसे की कमी एक रिस्क है, वहीं उधार का पैसा वापस न मिलना दूसरा रिस्क है। खतरा ये भी है कि इन्वेस्टर बेहतर रिटर्न्स वाली जगह पर पैसा लगाने का मौका खो बैठे। इसे इस तरह देखते हैं, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, जिसमें से आप 50,000 रुपए कंपनी फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं और बाकी गोल्ड में। अब पैसों की जरूरत पड़ने पर कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं। वक्त से पहले पैसा निकालने पर आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। और हाँ, क्या करेंगे अगर कंपनी का इंटरेस्ट वक्त पर ना आए या बिल्कुल ही ना आए? गोल्ड की कीमत में आई अचानक गिरावट भी आपके इन्वेस्टमेंट्स पर असर डालकर उसकी कीमत नीचे गिरा सकती है। बहुत कुछ गलत हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ जरा सोचिए, आप बड़ी होशियारी से सारा पैसा बांट देते हैं, बैंक डिपॉजिट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स बैंक अकाउंट में। अब अगर अचानक गोल्ड की कीमत गिर भी जाए तो उसका असर आपके इन्वेस्टमेंट के सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर होगा, और अचानक पैसे की जरूरत पड़ी तो आपका सेविंग्स अकाउंट तो है ही आपके पास। जी हाँ, इतना आसान है। एसेट एलोकेशन का मतलब ये तय करना है कि इन्वेस्टमेंट की रकम का कितना प्रतिशत हिस्सा किस एसेट क्लास में लगाया जाए। क्योंकि हर एसेट क्लास अलग तरीके से परफॉर्म करती है, इसलिए एसेट एलोकेशन बेहद जरूरी है और इन्वेस्टमेंट की सारी परफॉर्मेंस भी इसी पर निर्भर करती है। सच कहें तो सारी कहानी डिपार्टमेंट स्टोर वाली है। एसेट एलोकेशन का असर तभी सबसे ज्यादा होता है जब दो उल्टी दिशाओं में काम करने वाली एसेट क्लासेस को आपस में जोड़ दिया जाता है। क्योंकि एक एसेट क्लास की परफॉर्मेंस कम होगी तो दूसरी उसकी भरपाई कर सकती है। तो सही प्लान करें और एसेट एलोकेशन के इस्तेमाल से अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके पूरे इन्वेस्टमेंट पीरियड में एक जैसा रिटर्न पाएं। याद रखें, बास्केट्स अलग होंगी तो एग्स बच सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।